पूरा पेंट उतर गया यार इसका। ये तो अपनो खेत डबल करनू पड़ा को सुबह पूरा खेत कहीं कल्टीवेटर रख रहा कहीं भूस घिस रहा। पीले ओ मोरे राजा क्याली कर रहा से उमर लुको रहा मर जाना। गर्मी गर्मी मानने को राजी नहीं है। बाकी हेलो भाई, मैं विवेक स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। पीछे अगर आप मेरे देख रहे हो, एक मिनट, बैक कैमरा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पूरा पैसा खर्च करा अपन ने। हो गया बैक कैमरा। सबसे पहले हमने इसे डिल निकाली, उसके बाद में जो अपना तोता था नव का, इसको हमने ऐसे बोला बाय और हमने फंसा लिया ये हरे कलर का कल्टीवेटर। ये भी नव का ही है। और अब तोते में क्या होता है भाई, बीच में छूट जाता है कानी, अगर तुम समझते होंगे तो बीच में है ना ऐसे छूट जाता है जितना सही वो करता है ना, क्योंकि इसका फल्ले की चौड़ाई देखो। अब यहाँ पे इतना सा गैप है, फिर वो आगे फल्ला कितना चौड़ा है, मतलब अपन ने इसमें मतलब कंपनी से भाई वो 12 इंच था, अपन ने इसको कर दिया 14 इंच। तो अब ये इतना मस्त चलता है ना पूरा, कहीं से भी थोड़ा सा भी खेत नहीं छोड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ज़्यादा अगर चारा होगा तो ये चौक हो जाएगा, बाकी तो एक नंबर मस्त चलता है। लेकिन अपने हिसाब में ये बढ़िया है क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा चारा होता ना वहाँ पर तो अपन उसका यूज़ करते हैं। और एक ब्लॉग में मैंने इसको 55 का बोल दिया था, गलती से कुंटल निकल गया, लेकिन वैसे इसको बोलते हैं 55 ही, बस कुंटल नहीं बोलना था। ये दिख रहा देखो, इनमें ऐसे ही चलता है। जिन भाइयों को खैर नॉलेज है वो तो समझ गए थे, लेकिन बहुत से भाइयों को नहीं पता रहता तो फिर उन्होंने इसको 55 कुंटल समझ लिया। हालांकि मैंने कुंटल बोला था, बट ये ऐसे 55 का होता है, दिख रहा, इसमें 50 का होता है 55 का होता है। जिसके ऊपर 50 लिखा है उसमें 5 कुंटल वजन होगा, और जिसमें 55 लिखा है उसमें 5.5 कुंटल। ये वैसे ऐसा होता है HP कैटेगरी के हिसाब से भी होता है, मतलब जैसे आपका ट्रैक्टर 55 से 60 हॉर्स पावर का है ना, 60 चाहिए उसको, ये जो 55 वाला है इसको तो 60 हो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे होता है। तो मैंने इसको 55 कुंटल लगा दिया इसके आगे, बस इतनी सी गलती है। खैर ऐसे ब्लॉगों में ये छोटी बड़ी जो छोटी मोटी गलतियाँ चलती रहती है। क्यों चलती रहती है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी सोच के तो बनाता नहीं, सोचने का तो टाइम भी कहाँ है, बना देता है बस। अब इसको उठा के कौन से खेत में कुदाना है ये देखते हैं। और हमने सुबह से क्या किया, सुबह से इसकी कैनोपी घिस दी यार, इस ड्रिल को निकालने के चक्कर में। यहाँ पे घिसाई तो थी, हालांकि देखी मैंने भी नहीं, बस ये देख रहे हो यहाँ पेंट पड़ा उसका, तो एक बार देख तो लूँ। मैं सोच रहा हूँ इसका म्यूजिक सिस्टम खोल दूँ यार, हैं इसको खोल दे क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ भी बहुत है और अभी बोनी और अपने ट्रैक्टर एक तो चलता भी बहुत है यार। इसको बेचारे को तेरी भैंस की फ्री टाइम। ओहो यहाँ पे सही पूरा पेंट उतर गया यार इसका, क्या ही कर सकते हैं बच्चे घिसा, नया पेंट करवा सकता हूँ मैं, बाकी तो चलना तो पड़ेगा तुझे, कोई बात नहीं। डीजल तो इसमें रात को ही डाला था, अभी तो होगा, चल जाएगा आज का तो। और सामने का बेड भी उतार दिया, प्लस ये हॉर्न की भी हमने ऐसी तैसी कर ली। अभी तो ट्रैक्टर की मोर बनी पड़ी रहेगी जब तक सोयाबीन की बोनी नहीं होती। एक बार सोयाबीन की बोनी कंप्लीट हुई उसके बाद में फिर अपन इसको सही करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्यों धूप में खड़ा है, तू तो जा इधर अंदर हो जा छाँव में। ट्रैक्टर हो गया चालू, वर्क इन प्रोसेस। इतनी बड़ी बात रू होनी पड़ी जी, वो कुत्ते ही का नाम की अभी कुत्ते ही मजा ली रोको कहीं कौन पंडित जी, ये बातें बताई नहीं जाती। हो गया खेत लेवल, देखो अगर पानी और तेज आता ना तो ये जो मिट्टी के दिख रहे हैं आपको ये भी घुल के और बारीक हो जाता। हालांकि इसमें आप रोटावेटर भी कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इतना लेवल बहुत है। इसके बाद में थोड़ा बहुत पानी आएगा ऑटोमेटिक भाई ये मिट्टी जो है वो घुल जाएगी और फिर इसमें बोनी करना है। खैर इसके तो मिट्टी घोलने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इस खेत में मक्का लगाएंगे, मक्का मक्का, तो मक्का लगा दो और मोटर चालू कर दो, काम ख़त्म। अब बारी है इस प्लू वाले खेत की। इतने में तो खैर तोता किया हुआ है तो यहाँ तो देखो एक नंबर बराबर हो रहा है, लेकिन प्लू वाले में पता नहीं कैसे करेगा। वैसे तो कर देना चाहिए क्योंकि इसके पीछे डबल फुट लिया है, देखते हैं क्या होता है, कर देगा यार मेरे हिसाब से, नहीं तो फिर ये वाला पूरा जो खेत है इसको भी हम निपटा ही देंगे आज। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें अपना जो जुगाड़ बनाया हुआ है वही बढ़िया चलेगा, क्योंकि अभी पानी नहीं गिरा ना तो ये मिट्टी सही वो नहीं हो रही। फिर थोड़ा बहुत लेवल तो होगा पर वो सही साट तो वही चीज़ करेगी भाई, देखते हैं। इतने में जितने में तोता किया हुआ है उतने में इसको चला देते हैं, बाकी फिर अपना वो सिस्टम फंसा लेंगे। अभी नहीं, अभी तो अपने पास दूसरे खेत बहुत सारे जिनमें ये वाला कल्टीवेटर चलाना पड़ेगा, उनको ख़त्म करने के बाद फिर लास्ट में लोग वालों का नंबर लगा देंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। Three hours later. वापस से हम ट्रैक्टरों वाले गैरेज में घुस चुके हैं। अब इधर भाई बढ़िया हो गया, अब यहाँ पे ना अपने ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर और गाड़ियाँ गई, वहाँ पे इनका ट्रांसफर हो चुका है। वो देखो वो खड़ी सामने,
वो बढ़िया है। अब इधर ऐसा है कि बेचारे ट्रैक्टर अपने कभी भी आते हैं ऐसे मिट्टी का बहुत सारी लेके और इसके अंदर घुस जाते हैं, और यहाँ तक बिल्कुल खाली। और हमारी रानी भी जब तक सीजन ख़त्म नहीं होगा ना तब तक बेचारी रानी ऐसे ही खड़ेगी। इसकी चाबी भी निकाल के रख दी यार, क्योंकि रानी चलेगी नहीं तो चाबी का करना ही क्या है। बाकी ये हमारा प्याज का स्टॉक, ओहो इतना सारा प्याज, इसमें डीजल देख लेते हैं। डीजल के बाद ये करेगा फिर से कल्टीवेटर, जो जो खेत में अपन ने तोता किया ना जितने सारों में, आज पूरी रात हो सकता है हम आज भी चलाएं। डीजल बता दे तेरे में कितना है यार, तेरे दिक्कत क्या है तेरी, चढ़ चढ़ हैं तेरी, चल तेरे को फुल तो करना ही पड़ेगा, ये देखो इतना है इसमें, फुल तो तेरे को करना ही पड़ेगा है, ऐसे तो बातचीत होगी नहीं तेरी। बहुत बहुत पीता है यार तू, लेकिन कोई बात नहीं, काम भी तो उतना ही करे। पिएगा तो काम करेगा, अब काम करेगा तो पिएगा, यही बात है ना है? यू कह रहा है ये बात तो गलत है, बस मेरे को तो पीने का शौक है, तो इसको पीछे लेके इसमें डालते हैं डीजल, फिर इसको लेके चलते हैं। ला अंदर, जान दे अंदर। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ, बस धीरे धीरे चलेंगे, खिलाड़ी समझ रहे हो, फिर तो लग रहा है अभी चिपके नहीं, अभी तो चलन जो। मौसम देखो, मौसम आ गया इसीलिए, ये देखो काम बहुत फास्ट चल रहा है, ये जहाँ पे चल रहा है ना ये उधर तक पीछे तक खेत है, और ये इसको करते करते पूरा इधर आना है, इधर इतना काम है इसके ऊपर आज, इतना देखते हैं कब तक करता है ये ख़त्म। ये क्या हो रहा है देखो, मौसम एकदम बदल गया, टोमी अंदर आ गया और रेड हल को भी मैंने वापस बुला लिया, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे दिख रही है, ये देखो हल्का हल्का पानी आना स्टार्ट हो गया। और अपना जो म्यूजिक सिस्टम है वो तो फुल वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मशीनें अपन ने बाहर लगा रखी हैं वो दिक्कत करेगी। अब उसमें या तो पूरी कुछ पन्नी लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ जुगाड़मेंट करना पड़ेगा। म्यूजिक सिस्टम तो धुल जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मशीनें हैं उनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई कम से कम 12-15 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो अपन आज रात में देखेंगे कुछ करेंगे उसकी मशीनों के ऊपर, वो लगा देंगे पन्नी। वो आ गया रेडल, मैंने उसको बुलाया था, मन का आ जा कभी ज़्यादा पानी आ जाए, वो आ गया, वो दिख क्यों नहीं रहा है, वो आ गया। आज रात में कुछ करते हैं यार, या तो इसका म्यूजिक जो सबवूफर वाली पेटी है ना उसको तो मैं खोल भी सकता हूँ, लेकिन उसको खोल के कोई मतलब नहीं है। सबवूफर में तो मैंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि आप 3 नट खोलो, इसके ओवल्स वाली पेटी रहेगी तो आप गाना भी सुन सकते हो, और जो सबवूफर है वो निकल के अलग हो जाएगा। मतलब इतनी बढ़िया जो मैंने फिटिंग में मेहनत करी थी ना वो इसलिए करी थी ताकि जब मेरे को अगर मान लो सबवूफर वाली पेटी हटाना हो तो मैं हटा भी सकता हूँ, ऐसा कुछ जुगाड़मेंट किया था। लेकिन अब सबवूफर को हटा के कोई मतलब है नहीं, मतलब मेरा तो मन भी था, लेकिन ये सब बोल रहे कि गाना सुनने में मज़ा नहीं आएगा बिना सबवूफर के। इसमें यह है कि 6 नट खोलो और आपके सबवूफर वाली पेटी निकल जाएगी। रख दे, पानी तो आई गया रे। अपनी ये चीजें को बचाना पड़ेगा। ओ तेरी, ओए ओए ओए, भोपाली ड्राइवर एक तो अभी ये चीजों को बचाना पड़ेगा भाई साहब। ये जो मशीनें दिख रही ना आपको पीछे दो लगी हुई, यही तो है सिस्टम, अगर इनमें पानी लग गया ना तो इन्होंने तो भाई वो कर देनी है। बाकी इसको तो तुम पानी से धो दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी भी लगा है, लेकिन ये दो को बचाने के चक्कर में इसको पूरा पैक करना पड़ेगा। कि खोल दे माँ, कि खोल दे माँ। वैसे अगर आपको इसको सबवूफर को खोलना है ना तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो सिस्टम मैंने लगा रखा है ना, ये दो नट, ये वाले खोलो और ये सबवूफर के हट जाएगी। लेकिन फिर ये भी तो बचेगा, इनको भी खोल सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं यार, पन्नी लपट दे अपन तो। मैं अपने जूते ढूंढते इधर आया, ये पहने मैंने जूते, ठीक है यूँ निकला मैं बाहर, और बाहर क्या देख रहा हूँ भाई, पानी गया है, पानी देख रहे हो, पानी कहाँ है, इतने पानी से कुछ नहीं होगा खेतों को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाल परी क्यों बोल रहा हूँ मैं, लाल परी डिलक्स को हटाते हैं, इस हाथी को बाहर निकालता हूँ और लेके चलता हूँ खेत में। इसको चेन नहीं लेने देना है भाई, ये ऐसे चेन से नहीं खड़ा हो सकता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। काला कौवा काट खाएगा।
भाई साहब म्यूजिक सिस्टम का सिस्टम देखो, आधे खेत में आ गए। तो तूने केनू था नहीं पहले की गली देख रहा अंदाज ही का। अरे यार ये काई कर रहा है यार गोलू, है आशा मत अपन आधो खेत बिगाड़ देगा। कहां है मेड़ भैया, बोने को मैं छोड़ दूंगा। खाओ यार वो गंदू रहेगा अपन तो। ये होता है भाई साहब जब ऐसे दो दो तीन तीन आदमी खेत में आ जाए ना, इसलिए खेत में अकेले आओ, गाना मत चलाओ और बस ट्रैक्टर चलाओ। अरे गन दूर पहुंच गया था रे अपन तो। डिग्री जाली कर रहा से उम्र लुकोरिया मर जाना, डाटी ने काली कर रहा से जाती है क्या। ये बक्से में पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, ये कहाँ थे हमने घीस के लाए। म्यूजिक सिस्टम का काम बेकार क्या गोलू, ये तो अपनो खेत डबल करनू पड़ा को सुबह। पूरा खेत कहीं कल्टीवेटर रख रहा, कहीं भूस घीस रहा, ये क्या हो रहा है प्रधान। लगता पनौती लग गई। मनु तू चला, हमारा बस की नहीं है। लाडले अपने से नहीं चले, अपने को हो रहे नशे। हम अपने से नहीं लाडले, अपने से नहीं चले। ए, 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 जा चला, हम नीचे ही है, यो निकाल लीजिए आराम से चला जे। मतलब मैं इतनी अकल देता था आज गाने की धुन में भाई, यो सारा सिस्टम भूसा भासा पता नहीं क्या क्या खींच लिया इसने। अब मत के चिल्ले ही भी नहीं सकते यार गोलू। आप भाई चिल्ला पहले मैं सोनू मनु को बहुत चिल्लाता तो ढंग से चलाओ ट्रैक्टर, यहाँ यो कर दियो, अब मेरे हाथ ये हुआ मेरा क्या होगा, ये तो मेरी बात नहीं मानेंगे। और कहीं कहीं तो नहीं छोड़ खाया अपन ने। हाँ तो काली है रही, यहाँ बट आगे बट आगे बट आगे बट, यहाँ की जगह गरम लगेगा, पिछवाड़ा जल जाएगा देखिए। अरे थारा अंडा नहीं जल जाए, गरम थोड़ी ना है तो फोटो ही ले, खींच फोटो, फोटो जल्दी खींच ले। धोखेबाज दोस्त छोड़ के चल दिए फोटो फाटो खिंचा के। अब विवेक चलाएगा, कल्ला गाना सुनेगा मस्त एक नंबर नंबर, और ये खेत ख़त्म करूँगा। 11:30 बज गई, 12:00 तक या 2:00 तक ख़त्म हो जाएगा। सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो घर भर जाऊँगा, नींद आएगी आएगी तो, और नहीं आई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक खेत ख़त्म कर दिया और मैंने ट्रैक्टर को लगा दिया दूसरे खेत में। एक तो आज मैं अकेला हूँ और 12 बज गई है रात के। अब मैं सोच रहा हूँ इधर के सारे खेत ख़त्म करके ही घर जाऊँगा, क्योंकि पीछे सिद्धू मूसेवाला बज रहा भाई। मज़ा आ रहा है, मज़ा पानी अलग नहीं मान रहा, फुहार आ रही फुहार। इस साइड के भाई पूरे खेत मैंने खत्म कर दिए पूरे, मतलब जो अगर सोनू मनु करते हैं ना भाई तो इनको चाहिए था एक दिन, वो पूरी मैंने रातम रात कर दिया सिस्टम खत्म। कितने बज गई फिर, रात तो ज़्यादा हो गई। ओहो कहाँ बताएगा यार, 2:09, ये देखो 2:09 हो गई, लेकिन काम मैंने कर दिया ख़त्म। रेड एल्क और मैंने मिलके कर दिया, वैसे थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही थी लेकिन फिर भी न रेड एल्क रुका न मैं रुका और हमने पूरा काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि अपने को काम भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। बारिश हो जाएगी तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, एक बार डबल कल्टीवेटर हो जाए फिर अपन सोयाबीन बोने का टेंशन, बाकी कोई टेंशन नहीं। हालांकि अभी तो अपना मूंग भी खड़ा है, उसको भी काटना है शायद कल वल में, उसमें दवाई डलवाएंगे, जो भी होगा पता चलेगा। बाकी आज की इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। सभी भाइयों का ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय राम जी की।